हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डेल लैटिट्यूड E6430 लैपटॉप के बारे में। ये हमारे एक क्लाइंट का है जिसका कि मदरबोर्ड ख़राब है, और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इसका नया मदरबोर्ड चेंज करेंगे। ये हम ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं और इसी बोर्ड को हम इसके अंदर प्लेस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और इस वीडियो को फॉलो करके आप भी अपने सेम लैपटॉप का मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हटाएंगे इसकी बैटरी, फिर इसकी हार्ड ड्राइव, ये केसिंग है हार्ड ड्राइव की। इसमें हार्ड ड्राइव नहीं है क्योंकि हम लैपटॉप की हार्ड ड्राइव क्लाइंट को हैंडओवर करके आए हैं डेटा सिक्योरिटी के लिए। और उसके बाद हम रिमूव करेंगे इसका सीडी रोम। ये सीडी रोम हट गया है। उसके बाद हम रिमूव करेंगे इसका बैक पैनल। बैक पैनल में 3 स्क्रूज लगे हुए हैं, एक्चुअली 5 लगे हैं, जो 2 हार्ड ड्राइव के साथ थे वो हमने हटा दिए हैं और बाकी ये 3 हमने यहाँ से हटा दिए हैं। उसके साथ ही हमने यहाँ पे कीबोर्ड को फिक्स करने वाले 2 स्क्रूज लगे होते हैं वो भी हटा दिए। और बैक साइड से यहाँ से हम इसको खोलेंगे तो इसका ये बैक कवर पॉप अप हो जाएगा। ये इसका बैक कवर खुल गया है, और देखिए अंदर से ये इसका एक लुक ये है। इसमें ये फॉल्टी मदरबोर्ड लगा हुआ है जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो हम एक एक करके इसके सारे इक्विपमेंट्स ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले इसकी स्क्रीन जो कि डिटैच हो जाएगी, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे ताकि इसका बैक पैनल जो है हमारा सेफ रहे। स्क्रीन का बैक पैनल सेफ रहेगा तो उसमें स्क्रैच पड़ने चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्क्रीन निकालेंगे। तो स्क्रीन निकालने के लिए हमें यहाँ ये स्क्रू लगा है, ये कनेक्टर के साथ लगा है जो कनेक्टर को होल्ड करता है। यहाँ इसकी कैमरा केबल लगी है, इस कैमरा केबल को भी हम हटा देंगे। ये इसकी कैमरा केबल हमने हटा दी है, साथ ही इसका ये चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग कनेक्टर, इसको भी हटा देंगे। और यहाँ भी इसको होल्ड करने के लिए स्क्रूज लगाए गए हैं, इनको भी हम अनस्क्रू करेंगे। और ये कनेक्टर यहाँ हट गया, ये चार्जिंग पॉइंट निकल आया है। और यहाँ पर इसके वाईफाई के टावर के लिए जो कनेक्शन दिए गए हैं वो भी यहीं से आ रहे हैं, तो हम इसे भी इसके साथ ही हटाएंगे, जो कि स्क्रीन के बैक पैनल पे ही अटैच है इसके एंटीना। यहाँ पर भी एक कनेक्टर लगा है, हम इसको भी अनस्क्रू कर देंगे। और इधर स्क्रीन के हिंज को होल्ड करने के लिए स्क्रू लगाए गए हैं, तो यहाँ से भी हम इनको हटा देंगे। एक ऊपर है, एक यहाँ बैक साइड पे है। बैक साइड का स्क्रू देखिए बिल्कुल डिफरेंट ही है दूसरे स्क्रू से ये, और ये सेम यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर देंगे। इसमें बैक साइड एक स्क्रू और है, इसको भी हम हटा देंगे। और इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ स्क्रीन का लॉक ओपन करेंगे। स्क्रीन को ओपन करेंगे और इस तरह से स्क्रीन के ब्रैकेट बाहर आ जाएंगे हिंज के, और यहाँ से हम इसके सभी कनेक्शंस को डिटैच करके इसकी बेस बॉडी से अलग कर देंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना होगा क्योंकि ये कनेक्टर निकालते वक्त टूट ना जाए, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है यहाँ पर। तो ये हमारा बैक बॉडी हो गई और ये हमारा स्क्रीन पैनल हो गया। तो देख सकते हैं हमने ये स्क्रीन पैनल बिल्कुल सेफली अलग कर लिया है। तो इसको हम सबसे पहले सेफली किसी जगह रख देंगे ताकि ये किसी तरह से डैमेज ना हो, क्योंकि हमारी स्क्रीन बिल्कुल ओके है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन ख़राब हो जाए किसी
फिजिकल डैमेज के कारण। ओके, तो अब बारी आती है इसके कीबोर्ड को हटाने की। तो कीबोर्ड को हटाने के लिए सबसे पहले हम इसका ये कीबोर्ड का बेजल लगा रखा है यहाँ पर इसको फिनिशिंग देने के लिए, तो हम इसके बेजल को हटा लेंगे। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा कि इसके लॉक्स बचे रहे और ये टूटे ना, ये क्योंकि काफ़ी पतला बेजल है, अगर ये टूट गया तो इसकी फिनिशिंग बहुत और लगने लगेगी। ठीक है, ओके ना। अब दो स्क्रू इसके पीछे लगे थे और एक दो तीन चार, चार स्क्रू यहाँ नीचे बॉटम में लगे हैं कीबोर्ड के, इनको भी हम अनस्क्रू कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा इसके ये स्क्रू काफ़ी पतले लगे हुए हैं, तो इनको डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये चारों स्क्रू हमने अनस्क्रू कर लिए और यहाँ पर धीरे धीरे हम जो है साइड में भी लॉक लगे हैं जिनको हम धीरे धीरे निकाल देंगे। और ये इसका कनेक्टर का लॉक, इसको भी हमने हटा दिया, तो ये कीबोर्ड भी अलग हो गया है। ओके, अब इसकी बेस बॉडी को, टच पैड और बेस बॉडी को अलग करेंगे हम। टच पैड और बेस बॉडी को अलग करने के लिए हमारे पास एक स्क्रू यहाँ लगा है और एक स्क्रू यहाँ लगा है, प्लस इसका एक कनेक्टर यहाँ पर है जो कि ये टच पैड को जॉइन करता है, एक कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है और एक कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है। तो हम इन तीनों कनेक्टर्स को, दोनों स्क्रूज़ को अनस्क्रू कर लेंगे। पहले हम स्क्रूज़ ही हटा लेते हैं। और अब हम इनकी केबल्स को भी हटा लेंगे। ये शायद अलग ही है, ठीक है। एक यहाँ पर भी एक कनेक्टर लगा है, इसको भी हटा लेंगे हम, ये इन बटन्स के लिए दिया गया है। ओके, अब बारी है नीचे के स्क्रूज को अनस्क्रू करने की। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्क्रू दिए गए हैं, तो आपको ध्यान देना है। एक स्क्रू यहाँ पर है, एक स्क्रू यहाँ पर है, साथ ही साथ हम इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये बॉडी पे कनेक्टेड है, इसको भी हमने हटा दिया है। एक स्क्रू यहाँ दिया गया है और एक यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है। तो आपको ध्यान देना है जहाँ जहाँ भी बैक साइड स्क्रू लगे हैं उन सभी को आपने अनस्क्रू कर लेना है। ओके, बैक साइड के स्क्रू हमने हटा दिए। अब बारी है इसके हीट सिंक को हटाने की। ये इसकी सीपीयू की हीट सिंक है, इसको भी हम अलग रख लेंगे। ये इसकी सीमॉस बैटरी है, इसको भी हम डिटैच कर देंगे। अब एक बार हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे कि कहीं कोई स्क्रू रह ना जाए। और एक ये कनेक्टर रह गया है स्पीकर्स का, इन स्पीकर के कनेक्टर्स को भी हटा लेंगे। साथ ही हम इसकी मेमोरी स्लॉट्स को भी खाली कर देंगे, ये दोनों ही मेमोरी पोर्शन हम हटा देंगे इनका। ओके, अब चलो, ठीक है। अब आती है बारी इसके टच पैड को हटाने की। तो हम बड़े प्यार से इसको डिटैच करेंगे ताकि कहीं हमारे लॉक्स ना टूटे और कहीं स्क्रैच भी ना पड़े, ताकि हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे। ठीक है, ये देखिए, ये इसका टच पैड है जो हमने डिटैच कर दिया है। ओके, ये है इसका मदरबोर्ड,
ये मदरबोर्ड पहले भी रिपेयर हो चुका है, पर अब इसका जो कि मेन चिपसेट में प्रॉब्लम आ रही है और ये रिपेयरेबल नहीं है, इसलिए इस बोर्ड को रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो इसको हटाने के लिए ये कनेक्टर तो हम पहले ही हटा चुके हैं, एक स्क्रू यहाँ लगा है, एक स्क्रू यहाँ लगा है, एक स्क्रू यहाँ लगा है, ओके, और एक यहाँ भी लगा है, ठीक है। अच्छा, इसको हटाने के लिए हमें ये पोर्शन भी इसका हटाना होगा, क्योंकि ये भी मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है, तो इसको भी हम डिटैच कर देते हैं। दो स्क्रू इस पर भी लगे हैं, तो इनको भी हम हटा लेंगे। साथ ही साथ इसका ये पोर्शन बाहर आ जाएगा, एक इसका मेमोरी कार्ड रीडर का पोर्शन है, ये भी बाहर आ गया है। अब हम इसके बोर्ड को डिटैच करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों अलग अलग है, तो इनको बड़े ध्यान से हमने हटाना है, और ये इसका बोर्ड अलग हो जाएगा। ये इसका प्रोसेसर है, अभी हम ये प्रोसेसर भी दूसरे बोर्ड में चेंज करेंगे। और ध्यान देने की बात यह है कि एक इसका ये वाला पोर्शन जो है VGA और नेटवर्क पोर्ट का पोर्शन, ये PCB अलग है, और ये हमें मदरबोर्ड के साथ में नहीं आई है, तो हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये PCB बिल्कुल ओके है। वो प्रॉब्लम जो सिर्फ इसके चिपसेट में आई है, तो ये चिपसेट की वजह से हमें ये बोर्ड चेंज करना पड़ रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसका CPU निकाल लेंगे। ये इसका CPU है, इसको हम सबसे पहले हम ये बोर्ड अलग कर लेते हैं, और दूसरा बोर्ड तो हम यूज़ करेंगे। ये हमारा फ्रेश बोर्ड है, देख सकते हो, ये रिपेयर्ड बोर्ड है, ये हमारा फ्रेश बोर्ड है। तो सबसे पहले हम इसमें CPU ही इंस्टॉल कर लेते हैं। CPU लग गया है, और अब हम इस बोर्ड की फिक्सिंग करेंगे इसमें। तो जैसे जैसे हमने बोर्ड को डिटैच किया है, वैसे ही हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है, बड़े आराम से इसको होम करना है, ताकि कोई भी कनेक्टर ना टूटे। ध्यान रखिएगा, अगर ये कनेक्टर आपने नहीं लगाया तो ये बोर्ड ऑन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये दिखता तो वैसे एक नॉर्मल वॉल्यूम कंट्रोलर है, लेकिन इसका एक कनेक्शन है जो इस बोर्ड सर्किट को पूरा करता है, तो हमें इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसको फिक्स करना शुरू करते हैं, और जहाँ जहाँ से हमने स्क्रू रिमूव किए, वहाँ वहाँ हम वापस स्क्रू करेंगे बोर्ड को। हमें इस बात का पूरा ध्यान देना है कि कोई भी कनेक्शंस हमसे मिस ना हो। जैसे जैसे हमने कनेक्शंस निकाले हैं, वैसे वैसे ही हमने कनेक्शंस पूरे करने हैं।
तो हमने अपना बोर्ड फिट कर लिया है इसके अंदर और अब हम इसे वापस पैकिंग करने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमने चीज़ें खोली थी हम वैसे वैसे ही इन्हें वापस प्लेस कर देंगे। ओके, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमने अपने हिसाब से सभी स्क्रूज फिट कर लिए। तो अब बारी आती है इसके कीबोर्ड को लगाने की। तो हम इसका कीबोर्ड वापस लगाते हैं। पहले हम कीबोर्ड का पैन फिट करेंगे इसके कनेक्शन को। हमारा कीबोर्ड भी फिट हो चुका है, इसका बेजल भी हम साथ में साथ लगा लेते हैं। ठीक है, हमारा बेस, टच पैड और कीबोर्ड सभी फिट हो गए हैं। अब हमारी बारी आती है इसकी स्क्रीन को फिट करने की। तो हम जैसे हमने स्क्रीन निकाली थी उसी तरह से इसकी स्क्रीन वापस प्लेस कर देंगे। ये काम थोड़ा सा ध्यान से करना होगा क्योंकि इसकी केबल की हाउसिंग थोड़ी सी कम है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी केबल डैमेज ना हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी केबल सारी है और हम इसके बेस को हाउस करेंगे और ये इसके हिंज भी हमने हाउस कर दिया। ठीक है, ओके, ये हमारी स्क्रीन भी फिट हो गई है। तो सबसे पहले हम इसकी स्क्रू लगा लेते हैं। हम सबसे पहले इसकी साइड की स्क्रू लगा लेते हैं। इसके हिंज के इंटरनल स्क्रू लगा लेते हैं। ओके, इसका चार्जिंग यूनिट ये डीसी जैक इसको बोलते हैं, इसको हाउस करेंगे और इनके सभी मेटल लॉक्स को वापस फिट करेंगे। सबसे पहले हम इसका डीसी जैक कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ही हम इसकी डिस्प्ले केबल को हाउस करेंगे। अगर हम पहले डिस्प्ले केबल लगाएंगे तो इसकी हाउसिंग ठीक नहीं बैठेगी और हमें फिर दोबारा से इसको खोलना पड़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इसका डीसी जैक लगाएंगे, फिर इसी डिस्प्ले केबल लगाएंगे। ये डिस्प्ले केबल हमारी प्रॉपर लगी है, इसके कनेक्शन को हम दोबारा से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा डिस्प्ले केबल लग गया है और डिस्प्ले केबल को होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, उसको लगाना ना भूलें। बात आती है इसकी कवरिंग की, इनकी हम सारी कवरिंग जैसे निकाली थी हम इन्हें वापस वैसे ही कवर कर देंगे।
ओके फ्रेंड्स, ये हमने लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा लैपटॉप रेडी है। हमारा लास्ट पोर्शन रह गया है, वो है इसका बेस कवर और इसके यहाँ लॉक्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये लॉक वाला पोर्शन लगाएंगे और उसके बाद इसको हम फिट कर देंगे। ये बेस के पांचों स्क्रूज हम कसने वाले हैं और फिर हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ दो स्क्रूज कीबोर्ड पे लगे हैं, उन्हें लगाना ना भूलें। ये आपको हमने बताया था, ये इसकी हार्ड ड्राइव का होल्डर है। इसमें हार्ड ड्राइव नहीं है, पर हम इस होल्डर को वापस फिट करेंगे। अब रह गया हमारा सीपीयू और इसकी बैटरी। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस बोर्ड को आसानी से रिप्लेस कर लिया है। ये एक फॉल्टी बोर्ड था जिसके अगेंस्ट हमने एक नया बोर्ड लगाया है और हमारा पूरा लैपटॉप जो है रीअसेंबल करके अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या है। इसमें बैटरी नहीं है तो हमें चार्जर लगाना होगा, तो चार्जर हम लगाते हैं अभी। तो इसमें फ़िलहाल बैटरी बैकअप नहीं है। हाँ, चल गया, इसकी बैटरी ब्लिंक कर रही है, यानी कि इसमें बैटरी बैकअप नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें चार्जर लगाना होगा, तो हम इसका चार्जर कनेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं चार्जिंग लाइट आ गई है। ये हमारा लैपटॉप भी ऑन हो गया है। और ये हमारा डिस्प्ले भी आ गया है। तो इसका डिस्प्ले आ गया है और हमने अपना बोर्ड सक्सेसफुली रिप्लेस कर लिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिस तरह से मैंने ये बोर्ड रिप्लेस किया है, उसी तरह से स्टेप्स फॉलो करके आप भी अपने सेम लैपटॉप का बोर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और कुछ और जानकारी के साथ मैं आपके साथ में बना रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।